प्रियंका गांधी ने शेयर की ऐसी तस्वीर, मिलने लगी वेडिंग एनिवर्सरी की बधाई, अब दे रही सफाई। सोशल मीडिया का संसार कुछ ऐसा है कि यहाँ हर रोज एक नया हैशटैग और अनगिनत ट्रेंड चलते हैं। इनमें से कुछ तब ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं जब कोई बड़ी शख्सियत या चर्चित चेहरा भी इस ट्रेंड का इस्तेमाल कर अपने पोस्ट करने लगे। बीते दिनों एक ऐसा ही ट्रेंड चला है सारी ट्विटर। इस ट्रेंड के अंदर महिलाएं साड़ी में अपनी तस्वीरें साझा कर रही हैं। इस ट्रेंड के बारे में चर्चा करने की वजह ये है कि इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ गई। हालांकि इसके चलते उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई मिलने लगी तो उन्हें सफाई देने के लिए भी एक ट्वीट करना पड़ा। साथ ही उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से भी ये बात कह दी। प्रियंका गांधी ने हैशटैग के साथ अपनी एक बहुत ही पुरानी और सुंदर सी फोटो शेयर की है। यह फोटो 22 साल पुरानी है और इस फोटो का संबंध उनके जीवन के एक खास दिन से है। हालांकि इस फोटो के शेयर करने के बाद उनके पोस्ट पर बधाइयों का तांता लग गया तो उन्हें इससे जुड़ी सच्चाई के बारे में स्पष्ट करने के लिए भी ट्वीट करना पड़ा। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपनी शादी वाले दिन की एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में प्रियंका शादी वाले दिन की सुबह एक पूजा में भाग ले रही है। यह फोटो उसी समय की है। इस फोटो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, 22 साल पहले मेरी शादी की सुबह पूजा की तस्वीर। मालूम हो कि प्रियंका की शादी 18 फरवरी 1997 को हुई थी। यही बात उन्होंने अगले ट्वीट में लिखी है कि आप सभी का बधाइयों के लिए शुक्रिया। यह सिर्फ एक थ्रोबैक फोटो है, मेरी शादी की सालगिरह फरवरी में है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को टैग करते हुए भी तीसरा ट्वीट कर दिया कि रॉबर्ट वाड्रा, आप मुझे अब भी डिनर पर ले जा सकते हैं। प्रियंका ने जब से ट्विटर ज्वाइन किया है वे इस पर काफी सक्रिय रहती हैं। अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से वे न सिर्फ सरकार पर निशाना साधती हैं बल्कि जनता से संवाद कायम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती हैं। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, ट्रेंड से कई अन्य महिला नेता, फिल्मी सितारे, अफसर आदि भी जुड़ चुके हैं। पुरुषों ने इसी से जुड़ता एक हैशटैग कर ट्विटर भी चलाया जिसमें उन्होंने कुर्ते में अपनी तस्वीर डाली।